हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी सलोनी मिस आ गई हूं आपको क्लास फिफ्थ का मैथ्स पढ़ाने। सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसका नाम है हाउ मेनी स्क्वायर्स और हाउ मेनी स्क्वायर्स में आज हमें देखना है टॉपिक मेजर स्टैम्प्स। मेजर स्टैम्प्स के ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई कैन से जो मेजर स्टैम्प्स के ऊपर हैं बेस्ड। अब देख सकते हैं हम पिछले वीडियो में हमने ये मेजर स्टैम्प करना सीखा था, यानी कुछ स्टैम्प्स दिए हुए थे उनको मेजर करना सीखा था हमने। तो हम बोल देंगे ये पार्ट वन था हमारा पिछला वाला। अब हम अगले लेक्चर में आज के वीडियो में पार्ट टू करेंगे मेजर स्टैम्प्स का। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो देखिए क्या क्वेश्चंस दिए हैं, रीड करना शुरू करते हैं। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, साथ साथ रीड करेंगे, साथ साथ समझेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। क्या लिखा है, हाउ मेनी स्क्वायर्स, ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, जिनकी साइड 1 सेंटीमीटर है, डज स्टैम्प ए कवर एंड स्टैम्प बी। यानी कि जो स्टैम्प ए और स्टैम्प बी हैं, इनने कितने स्क्वायर्स को कवर करके रखा है, बेसिकली हमसे यही पूछा गया है। तो देखते हैं पिछले इसमें हमने देखे थे स्टैम्प्स, ये था स्टैम्प ए हमारा, इसमें बताइए कितने स्क्वायर्स आएंगे। तो देखिए दिख रहा होगा आपको, ये एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, ये तीसरा स्क्वायर है, ऐसे ही तीन स्क्वायर्स यहाँ पे हैं, फिर से तीन स्क्वायर्स यहाँ पे हैं और तीन स्क्वायर्स। तो ये तीन तीन स्क्वायर को हाइटेड रखा हुआ है एक के ऊपर एक, और ऐसी कितनी लाइंस बनाई हुई हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 छह लाइंस बनाई हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे देखिए, 6, इसमें 6 है, इसमें 6 है और इसमें 6 है, तो टोटल क्या होगा, 6 12 6 3 18 स्क्वायर्स हो जाएंगे आपके स्टैम्प ए में। गिन सकते हो आप, है ना, 6 ऐसे लगे हैं, 6 ऐसे लगे हैं, 6 ऐसे लगे हैं, तो 6 6 12 6 3 18, तो स्टैम्प ए में कितने स्क्वायर्स हो गए, 18 स्क्वायर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करना है स्टैम्प बी की। स्टैम्प बी में देखो कितने स्क्वायर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने स्क्वायर्स हो गए, 8 स्क्वायर्स लगे हुए हैं स्टैम्प बी में। तो यही हमसे पूछा गया था कि कितने स्क्वायर्स यूज हुए हैं। अब उन्होंने लिखा था 1 सेंटीमीटर के, तो ये सारे ही स्क्वायर 1 1 सेंटीमीटर के ही हैं। क्लियर हुआ? तो पहले वाले में क्या है, 18 स्क्वायर्स, और दूसरे वाले में कितने हैं, 8 स्क्वायर। तो आप आंसर कैसे लिख देंगे, इस तरीके से आप आंसर लिख दीजिएगा। देखिए लिखा है स्टैम्प ए कवर्स 18 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एंड स्टैम्प बी कवर्स 8 स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। क्लियर हुआ? यानी कि ए स्टैम्प के पास 18 स्क्वायर हैं और बी स्टैम्प के पास 8 स्क्वायर्स हैं। आ गया समझ में? ऐसे आपको आंसर लिखना है। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लिखा है विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया, इनमें से ऐसा कौन सा स्टैम्प है जिसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो देखो पिछले वीडियो में जब हम देख रहे थे, पिछले के भी पहले, जब हम रेक्टेंगल्स बना रहे थे स्क्वायर्स से, तब हमने क्या देखा था कि अगर स्क्वायर्स जो हैं वो सेम हैं तो एरिया सेम होता है। तो यानी कि अगर किसी में स्क्वायर ज़्यादा होते तो एरिया ज़्यादा होता और किसी में स्क्वायर कम होते तो एरिया कम होता। क्या कह रही हूँ मैं, आप यहाँ से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ये बनाया है ब्लॉक मैंने, इसमें एक स्क्वायर है, फिर एक और मैंने बनाया ब्लॉक, इसमें 2 स्क्वायर यूज़ किए, और वही मैंने एक और ब्लॉक बनाया जिसमें मैंने स्क्वायर यूज़ करे 3। तीनों में जो स्क्वायर्स लगे हुए हैं वो क्या है, 1 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ के हैं, है ना। तो यानी कि इसका एरिया अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। स्क्वायर का एरिया अगर हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड इंटू साइड, तो 1 इंटू 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका एरिया, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इसका 1 और इसका 1, तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? एक स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और वहाँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो किसका एरिया ज़्यादा है, उसका। यानी कि जैसे जैसे स्क्वायर्स बढ़ रहे हैं एरिया बढ़ेगा, स्क्वायर्स कम होंगे तो एरिया कम होगा,
क्लियर हुआ? यहाँ हम एरिया की बात कर रहे हैं, पहले हम जब सीख रहे थे तब हम पैरामीटर सीख रहे थे, तो वहाँ एरिया क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वहाँ सारे ही रेक्टेंगल्स जो हमने बनाए थे उसमें 12 12 स्क्वायर थे, सेम स्क्वायर थे तो एरिया भी सेम होगा। अगर स्क्वायर्स बढ़ेंगे तो एरिया बढ़ेगा और स्क्वायर्स कम होंगे तो एरिया कम होगा। खुद से सोचो ना, एरिया होता है कि कोई कितनी जगह घेरा है, तो अगर कम लोग हैं तो कम एरिया घेरे होंगे, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा एरिया घेरे होंगे। आ गया समझ में? तो इसमें भी यही पूछा है कि विच स्टैम्प, यानी कि कौन सा स्टैम्प है जिसका सबसे ज्यादा एरिया है। तो ऐसा स्टैम्प जिसमें सबसे ज्यादा स्क्वायर होंगे उसका सबसे ज्यादा एरिया होगा। तो आइए देख लेते हैं हम कि किसका, कौन से स्टैम्प में सबसे ज्यादा स्क्वायर्स हैं। इसमें कितने थे बताएं जल्दी से मेरे को? इसमें थे आपके 18 स्क्वायर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था, 18 स्क्वायर्स थे यहाँ पे आपके, है ना? और यहाँ कितने थे बताइए? इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें है 12 स्क्वायर्स। इसमें कितने थे अभी देखा था हमने? 8 स्क्वायर। इसमें 1 2 3 4 स्क्वायर्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्क्वायर है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स है। मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा लोग बढ़ेंगे, जितने ज्यादा स्क्वायर बढ़ेंगे उतना ज्यादा एरिया होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें है? 12 8 4 6 12 और 18, तो सबसे ज्यादा स्क्वायर काय में होंगे? सबसे ज्यादा स्क्वायर 18 में है, इस पहले स्टेम में है 18 स्क्वायर, तो इसका एरिया भी सबसे ज्यादा होगा। अब उनने पूछा नहीं है कितना एरिया है, तो हमको बताने की भी जरूरत नहीं है, तो बस हम आंसर में यहाँ क्या लिख देंगे, स्टैम्प ए हैज द बिगेस्ट एरिया बिकॉज इट कवर्स 18 स्क्वायर। यानी कि जो स्टैम्प ए है उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें कितने स्क्वायर्स यूज हुए हैं? 18 स्क्वायर्स से मिलके बना है, बाकी सब जो है स्टैम्प वो कम कम स्क्वायर्स से मिलके बने हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रीड करो आप भी। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर? के कितने स्क्वायर्स एक एक सेंटीमीटर वाले ये स्टैम्प कवर करे है? कौन सा स्टैम्प? जिसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में जिस स्टैम्प की बात हो रही होगी वही स्टैम्प के बारे में पूछा गया है। तो स्टैम्प ए के बारे में, तो कितने स्क्वायर्स कवर करे हैं वो देखिए, हमने पहले ही लिख दिया था 18 स्क्वायर्स। तो आंसर हो जाएगा दिस स्टैम्प हैज 18 स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक एक सेंटीमीटर वाले टोटल 18 स्क्वायर्स हैं स्टैम्प ए में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, हाउ मच इज द एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प डैश स्क्वायर सेंटीमीटर? तो फिर एरिया क्या होगा? तो अभी मैंने समझाया था कि अगर कोई एक स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितने स्क्वायर, अगर वही स्क्वायर 2 है तो वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 स्क्वायर है तो एरिया क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 18 स्क्वायर है तो एरिया कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जितने स्क्वायर्स हैं उतने ही नंबर के बराबर का एरिया होगा। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मच इज एरिया इज द बिगेस्ट स्टैम्प, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सबसे बड़े स्टैम्प का एरिया। यहाँ पे देख लीजिए ये बर्ड क्या बोल रही है, ये भी कुछ बोल रही है, स्टैम्प डी कवर 12 स्क्वायर, बोल रही है कि जो स्टैम्प डी था वो कितने स्क्वायर्स कवर करे था, 12 स्क्वायर्स कवर करे था, ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, और हर स्क्वायर कितनी साइड का था, 1 सेंटीमीटर का, सो द एरिया ऑफ स्टैम्प डी इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही जो मैंने समझाया कि अगर 12 स्क्वायर्स थे तो एरिया क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 स्क्वायर हैं तो एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई बात आपको? तो ये था आपका लेक्चर मेजर स्टैम्प्स के ऊपर बेस। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे जो आपके इस लेक्चर में हमको दिए हुए थे। अगले वीडियो में कुछ और आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे, इसके आगे क्या क्या चीज़ें दी हैं। आई गेस यस, कुछ और क्वेश्चन हैं ऐसे ही मेजर स्टैम्प के ऊपर बेस्ड, इसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं बिल्कुल आपको वर्ड टू वर्ड आना चाहिए, लिखना भी, क्योंकि समझना एक अलग बात है, एग्जाम में तो आपको लिख के ही आना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे, राइट? सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक अगर किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स या वीडियो लेक्चर्स आपको चाहिए तो इजीली अवेलेबल हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrainsbhopal पर, विजिट करें। कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच एंड बाय।